नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा यहाँ से खेत से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि मैं खेत पे नहीं आया, मैं सड़क पे हूँ। देखो दोस्तों, सुबह मैं गया था मिस्त्री और संगीता गई थी बेनीगंज के लिए, उसको बैंक में थोड़ा काम था। तो उसने हमसे क्या कहा कि तुम मुझे थोड़ा सड़क पे ले लो आके। वो चाचा जी जो नहीं चाची वगैरह शादी पे के हैं, वो उनके साथ आ रही थी, तो बोले कि हमको लेने आओ और यहाँ ले लो आके सड़क पे खड़ंजे वाली। ये देखो दोस्तों खड़ंजा सड़क है। तो हमने कहा ठीक है, मैं आज जैसा आ रहा था घर से, चाचा ने क्या किया उनको साथ में घर लेके गए। अब वो हमको यहाँ बुलाई और वो चली गई घर, यहीं से निकल के। मैं वीडियो शूट करने वाला ही था तब तक वो लोग आ गए, निकल गए। चलो दिखाता हूँ ये कैसा मजा चिखाता हूँ उनको। उन्होंने हमको चूतिया बनाया, हम उनको चूतिया बनाते हैं। अब दोस्तों मैं वीडियो शूट कर रहा था तब से, मजे की बात यह है कि संगीता का फ़ोन आ गया कि जल्दी आओ। अब मैं 5 मिनट रुका हूँ, 5 मिनट में वो परेशान हो गए कि क्या बात हो गई, वो गुस्सा तो नहीं हो गया। मैं जा रहा हूँ, देखता हूँ क्या बता रही। दोस्तों देखो संगीता चली आई अकेले, मुझे बुलाया, मुझे बुलाने के बाद में निकल आई हैं। बुलाया था जब उन्होंने छोड़ा ही नहीं, मैं तो पैदल आ जाती, मुझे मज़ा आता है पैदल चलने में। तो मैं पैदल आ रहा था, अम्मा बोली कि पैदल मत जाओ मोटरसाइकिल से जाओ। मैं जा रहा मोटरसाइकिल से, ये वहाँ क्या कर रही, भागी चली आ रही। देख कितनी तेज घुमोरियाँ निकली। ये दिन पे दिन इनकी दोस्तों बढ़ी जा रही है। पीछे घूमो, पीछे ब्लाउज से बढ़ गई आज फिर। पीछे घूमो, पीछे देखो दोस्तों, इनके पता नहीं क्या हो गया, इस साल बहुत निकल रहे हैं, दिन पे दिन बढ़ी जा रही है। अरे इसीलिए मैं ये पहन रहा हूँ। तो तुम्हारा कॉटन का है ना, तो तुम भी कॉटन का पहनो ना। तो क्यों लैलॉन के पहनती हो? मेरे सब्सक्राइबर मिले थे। कौन मिला था? मेरे चाचा जी। कौन चाचा जी? बहुत दूर के हैं वो। कहाँ के? अमरगंज के। तो अमरगंज दूर है के? नहीं वो दूर रिश्ते में तो दूर से। क्या क्या बोले? कुछ नहीं बोले, वीडियो बनाती। मैंने कहा बोले कौन बनाती हूं? कौन बोले? वो जो छेलू चाचा है उनके भाई छोटे, उनको मैं बहुत देर से बैंक में देख रही थी। मैं बोलना चाह रही थी, तुम थे तब भी मैं बोलना चाहिए, मैं बोल ही नहीं। मैंने सोचा पता नहीं कौन होगा, ज्यादा इनसे देखा नहीं था। अच्छा, तो क्या बोले फिर? फिर हम बोले नहीं, फिर नेहा की मम्मी से बोला मैंने कि देखो ये छोटे हैं, तुम बोल के आओ। नेहा की मम्मी गई बोली छोटे वो पहचान गए, वो वहां पे जाती है ना, तो बोले तुम्हारी बिटिया बुला रही है। तो फिर वो भी नहीं तुमको जानते? वो हमको पहचान नहीं पाए ना साड़ी में। अच्छा, मतलब कोई हमारा सब्सक्राइबर मिलता है तो बड़ी खुशी मिलती है। और फिर उन्होंने हमें ठंडा पिलाया। मतलब इनको पिलाना चाहिए उनको, लेकिन उन्होंने इनको, क्योंकि इनका रिश्ता है, रिलेशन में है, इनके चाचा जी है, तो उन्हें पिला दिया। वैसे उनके लड़का हुआ है। अच्छा, उसी की पार्टी दी थी। और वैसे कोई भी सब्सक्राइबर होता है तो बहुत खुशी दिल से मिलती है कि हमारा सब्सक्राइबर मिला हुआ है। तो हम लोग सोचते हैं कि उसको हमें भी बहुत देर से देख रहे थे, मैंने ऐसे कर रखा था, ऐसे करके। हाँ, जो बिना शादी के देखा है और शादी के बाद देखता ऐसे कर रहे थे। बोले मैं तुम्हारी आवाज सुन रहा था, आवाज पता नहीं कहाँ से आ रही थी। चलो तुम्हारा कस्टमर आया हुआ है, देखो चल के। तो जा रहे थोड़ा दोस्तों हम चाची की LCD और मिक्सी दोनों बनवाने के लिए जा रहे हैं, पहले जाते बनवा लेते हैं। दोस्तों हमारे घर देखो आज सब्जी में तड़का कैसे लग रहा है। सब्जी में तड़का है यार, क्या लगा है? हम जितना काम कराने गए थे वो कुछ भी काम नहीं हुआ, ना हमारी LCD बनी, ना हमारी मिक्सी बनी, और ना हमारा काम हुआ आज। पता नहीं आज किसका मुंह देख के उठे थे, समझ में नहीं आया, कोई काम नहीं हुआ। जो बनाओ जल्दी यार, मैं तुम्हारा खराब। मैं कुछ नहीं बनाऊंगी, तुम ही आज सब्जी बनाओगे, देखेंगे तुम्हारी उंगली चाटने वाली सब्जी। डालो आलू, डालो आलू, डालो भाई। मुझे पता नहीं है कुछ। डालो सब्जी यार, तुम ही बनाओगे, मैं नहीं बनाऊंगा कुछ भी। पता नहीं मैंने क्या, तुमने क्या डाला क्या? हमने सारा कुछ डाल दिया। नहीं, 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 मैंने मसाला सारा डाल दिया, बस आलू डालो। अभी रोटी बनवाऊंगी। देखते हैं सब्जी कैसे बना। तो ये सब्जी तुम्हारी बनाई ही आती है, मैं तो सिर्फ इसमें वो डाल रहा हूँ तुम्हारी आलू। तड़का तो तुम ही मार रहे हो। नहीं, तुम्हारा मसाला खराब हुआ जा रहा था ना, बाबू दूध भर रही थी इसलिए। हाँ तो दोस्तों आज जो सब्जी खाएगा ना, अरे वाह क्या सब्जी बनी, मुंह में पानी आ रहा है। तुम बहुत होशियार हो, अपना काम मेरे से डाल रही हो। क्यों, मैं किसी के पे थोड़ी डाल रही हूँ। ला यार मुझे, तुम अपना काम करो यार। अब इसमें पानी ऐड करोगी तुम ही, देखते हैं पानी। तुम कैसे सब्जी बाहर पकाते हो? मैं सब्जी बाहर पका लेता हूँ, लेकिन यहाँ पकाओ, मैं भी तो खाऊंगी।
मैंने कहा था एक बार चाय पिलाया था तुमको, चाय पिलाया था उसका स्वाद आज भी नहीं भूले, उसमें चीनी नहीं थी। आप सब्जी खाएंगे ना, हमारी सब्जी खराब हो जाएगी, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, पापा मम्मी सब मारेंगे, हमको कोई पता नहीं, मुझको कोई नहीं मारेगा, तुम अपना जानो भैया। मैं भी बैठा हूँ इधर आराम से, ना मेरी LCD बनी ना मेरी मिक्सी बनी, और मिक्सी ऐसी हो गई कि मिक्सी बनेगी भी नहीं कभी। क्यों? उसका मोटर खराब हो गया, वो 1200 की मिक्सी या 700 का मोटर पड़ रहा है, कौन बनवाएगा बाबू? देखो दोस्तों नहा रहे पीछे। और अभी LCD का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि LCD में लाइट आती है सिर्फ, चित्र वगैरह आता नहीं। 1500 की LCD लिया है चाचा ने, अब वो कितने 2-3 हज़ार रुपये लगेंगे, जो अपनी 1000 रुपये की TV 2500 रुपये लगा तब बनवा, चाचा तो मना कर रहे थे, चाची ने जबरदस्ती भेजा हमको, तो फिर नहीं लेते वो ना, पता नहीं है, बोलेगा देखेंगे कल जाएंगे, 1000 रुपये लगे तो ठीक है, ज़्यादा मत लगाना। देखा दोस्तों, बोले नहीं ले लेंगे, तो अच्छी बात है, नहीं 13000 मेरी सब्जी खराब हो गई, बातों का बतंगड़ बनाने वाले। कहाँ सब्जी खराब हुई? पानी डालो इसमें, पानी डाले, मसाला पकाए, पिसा मसाला सलबट्टे पे पीसते तो थोड़ी देर पकाते हैं, पूरा ही झोंक दिया है? और थोड़ी अब डालेंगे क्या, रसेदार बनानी है, कैसी बनानी, तरी थोड़ी बनानी है, सूखी सब्जी बनानी। दोस्तों आपने किसी के किचन में कुछ और आइटम देखा नहीं? देखा होगा, लेकिन हमारे यहाँ किचन ऐसा है कि जैसे सामान्य जनरल कि हमारे किचन में कुछ भी रखो कोई दिक्कत नहीं, तो आप लोगों को दिखाते हैं कि इनके संगीता के किचन में क्या क्या रखा है, दिखाएं। ये देखो 1, 2, 3, 4 ये कपड़ा है, ये दूधी रखी, ये किचन है, अब ये इनका काम है किचन में, ब्लाउज है मेरा, तो ब्लाउज यार तो इतने कपड़े पड़े हुए हैं, अरे वो किचन को साफ सफाई रखो, किचन दिखाई दे, और किचन तुम बनवाओगे जब भी किचन दिखाई देगा, ऐसे कुछ नहीं, ये तो हमारा काम भी, इधर करते रहते हैं उधर खाना बनाते रहते हैं, अच्छा दो काम करती हूँ मैं ना। देख लो दोस्तों ये सब भंगार पड़ा हुआ है, दोस्तों देखो चोरी चोरी क्या निकाल रही। मैं चोरी से कुछ कहती नहीं, बच गया तो मैं ग्लास दे दिया ना। अच्छा क्या निकाल ले इसमें? दूध तुम दोनों को दे दी, और हाँ साफ दिख रहा होगा ऊपर, हाँ साफ दिख रहा है तो बात मानते हैं, हाँ तो? लेकिन तुमने कहा दूध है नहीं, गिलास में पी लो फिर। हाँ तो दूध मैं बोली कि गिलास में इसलिए दिया था, हमने सोचा बचेगा नहीं, फिर बच गया, फिर मैं क्या करूँ, मैं इसको हटा ही देती हूँ ना, इसको पानी में डाल दूंगी, इसको फिर सुबह मांजूंगी, मैं इतना मांजूंगी उसके लिए तो खाऊंगी। तो कौन तुमको मना करता है, कोई मना करता है क्या? नहीं मना थोड़ी करता, मैं ये फिर? थोड़ी बोली कि मना करता, मैं ये बोली थी कि दूध कम दिख रहा था तभी मैंने गिलास में दिया आपको, इतना बाबू के लिए रखा। बर्तन वगैरह धुल लिए ना सारे? सब्जी तो बहुत अच्छी, सब्जी अच्छी थी, दिखा मेरा कमाल, ये मेरा कमाल, तभी तो गैस खत्म हो गई। नहीं गैस बात अलग है, मेरे हाथों में जादू मलाई, ये देखो ये मलाई है, हमको बोले थे कि मलाई नहीं है, मलाई वगैरह आप क्या कुरकुरे डाले हो क्या? मलाई तुमको दिया, दीदी को दिया, इसमें कुछ नहीं था, तो है क्या ये सबूत तुम्हारे? तुम भी पीक के देख लो, नहीं कुछ तो है इसमें, दाल में काला, एक चिमचा था तभी दिया नहीं भैया को, नहीं। चलो दोस्तों हम भी आज सोने जा रहे हैं, क्योंकि आज हमारे लोगों का काम कुछ भी नहीं हुआ है, ना इनका काम हुआ ना मेरा काम हुआ, तो चलो आप लोगों के लिए गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।